हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर चुके हो या करने वाले हो, तो आप लोग को किन बातों का अब ध्यान रखना है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आपका कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप एज ए एसेंशियल रिपीट फेलियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, तो सभी चीज़ों के लिए डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई करते हो, काफ़ी तरह की गलतियाँ आपसे हुई हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी परफेक्टली फिल किया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थे कि वहाँ पे कुछ नोट्स करके आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, आपका सिलेबस, ये सारा चीज़ें कवर्ड होगा इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि वो भी अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें। इसमें हम बात करेंगे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, इंप्रूवमेंट, फेलियर एंड एडिशनल्स। तो आप सबने अप्लाई तो कर ही लिया होगा। इसके साथ साथ जो है, हम लोग आपको क्विक अपडेट देने के लिए किसी भी तरीके का, सीबीएसई का आपका फॉर्म से लेके आपका एडमिट कार्ड एंड एवरीथिंग, आपके व्हाट्सएप पे हमने डून विनर का चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो आपका लिंक डायरेक्टली हम लोग नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी 500 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि हम लोग मतलब कुछ इनसाइट्स भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पिन करा देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करते समय काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक्स किया एंड हमसे रिक्वेस्ट किया कि सीबीएसई से किसी भी तरीके का एडिट का ऑप्शन लेके आया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ कभी भी, बट हम लोग क्लोजली काम कर रहे हैं जिससे कि एडिट का ऑप्शन आए। और जिसने भी इस तरीके के कुछ गलतियाँ किए हैं, जस्ट लाइक कि फोटो के जगह पे सिग्नेचर आ गए हैं, या आपका जो है फोटो है बट सिग्नेचर कुछ गलत सा अपलोड हो गया, या फोटो है साइन ही गलत है, आप ये कोई गलती नहीं है, लाइक ये जो आपको होल सर्कल दिख रहा है, जस्ट आपका प्राइवेसी छुपाया गया, या इस तरीके की कुछ गलतियां जैसे साइन आ गया एंड देन फोटो भी हमारा ऐसे आ गया, या फोटो आपने अपलोड किया पूरा पेज ही अपलोड कर दिया एंड फोटो एक छोटा सा दिख रहा होगा, या कुछ इस तरीके का है आपका साइन बेकार सा, तो उस केस में क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। अगर आपसे भी इस तरीके की गलती हो गई है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम लोग स्टडी नोट्स एंड हर एक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कल तक के लिए केवल हम लोग अल्टीमेट जो फॉर्म्स फिलिंग सपोर्ट है वो हम लोग ऑन कर रहे हैं। अल्टीमेट फॉर्म फिलिंग सपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस 299 कॉस्ट आता है जिससे आप ज्वाइन करते हो, उसमें आपका ईमेल, फ़ोन नंबर देते हो, आपके कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट है वो वहाँ पर फिल आउट करते हो, उसके बाद से हम आपको कॉल करके एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। ये पूरा एक साल तक रहते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ का हर्षल नहीं रहता एंड परफेक्टली आपका फॉर्म फिल करते हैं, और किस तरीके से करते हैं वो सारे चीज़ें आपको दिखता रहता है स्क्रीनशॉट के जरिए। ये केवल कल के लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब आज और कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया और हज़ारों एप्लीकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप लास्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा और आपका फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ होगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग को हम लोगों ने ग्रुप में ऐड कर दिया एंड वन बाय वन करके सबको कॉल कर रहे हैं, तो आप में से जिन स्टूडेंट्स का फिल हो गया है आप लोग कंफर्म भी कर सकते हो, जिनका नहीं हुआ है आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हो, हम लोग एक दो दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, 25 से पहले हम लोग मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और कुछ इस तरीके गलती हो गई है, या आपने करेक्टली अप्लाई कर दिया है, तो भी आप हमारा फोकस या सफलता बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फोकस बैच जो है फेलियर और इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए, वो लिंक सारे नीचे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, या डून विनर वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद हम आपको ग्रुप में एलोकेट करते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ये भी पूरे साल के लिए ही रहता है आपका। उसके साथ साथ जो है हमारा वीकली मीटिंग्स चलता रहता है आप लोगों के साथ, वो भी अवेलेबल रहेगा एंड देन आपका जो भी अगर कुछ इशू है वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से सॉर्ट होता है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करते हैं एंड सॉर्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि क्यों हम पे बिलीव करना है। आप देख सकते हो कुछ चीज़ें, ये 2019 का है, मतलब जब हम लोग ने YouTube स्टार्ट किया था उस समय पे CBSE प्राइवेट के लिए हम लोग बना रहे थे, तो उस समय का ये कन्फर्मेशन पेज है जब 200 फीस लगा करता था। आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट केवल 400 फीस गया था दो सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो उस समय पे अभी फीस बढ़ गया 300 हो गया, ठीक है, तो उस समय पे भी हम लोग अप्लाई करते थे। उसके बाद से आप देखोगे लगातार 2020 का ये कन्फर्मेशन पेज है एक स्टूडेंट्स का, ऐसे ही आप देखोगे आगे तो 2021 का कन्फर्मेशन पेज ये है, इसमें हमने बस पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पे तो ये 2022 का है, हर साल मतलब जब से YouTube चैनल हुआ था तब से हम लोग स्टूडेंट्स को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एंड हर एक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। 2023 का है एंड ये इस बार का है 2024 का, मतलब हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं टिल द एडमिट कार्ड, ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हो हमारे पे, पिछले 5 सालों से हम लोग
आप लोग के लिए काम कर रहे हैं इधर। लेट मी कन्फर्म यू गाइस, जो अल्टीमेट फॉर्म फिलिंग सपोर्ट्स है जो आपका 299 का है और पूरे साल के लिए है, ये केवल आज और कल के लिए अवेलेबल है, इसके बाद से ये नहीं अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद से नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो भी चीज़ें कंसर्न है ये ज्वाइन करने के बाद से हम लोग आपका रिजॉल्व कर देते हैं। किसी भी तरीके का आपका कंसर्न हो रहा है, आपका फॉर्म फिल हम लोग खुद करते हैं, आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एंड परफेक्टली फिल होता है। उसके बाद से आपको स्टडी टिप्स वगैरह मीटिंग्स वगैरह में बुलाते हैं एंड देन फाइनली आप जो है आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में भी एलोकेट करते हैं। व्हाट्सअप चैनल तो सबके लिए है, आप सब ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, बट व्हाट्सअप ग्रुप प्राइवेट होता है। वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बैचेस के थ्रू आते हैं उनको हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं एंड देन गूगल मीट या जूम के थ्रू क्लासेस वगैरह उनके होते हैं। क्लासेस समथिंग लाइक कि स्टडी टिप्स हो गया या हमारे जो स्टडी नोट्स हम देते हैं उसके बेसिस बताते हैं। तो इसमें स्टडी नोट्स नहीं है, बैचेस में स्टडी नोट्स होते हैं, इसमें हम लोग आपको स्टडी टिप्स तक रखते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि क्या ये वर्थ है। वर्थ है क्योंकि आप लोग का बस इसमें इतना ही नहीं है, अगर आप कोई चीज़ गलत कर देते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम लोग बस आपका फॉर्म फिलिंग सपोर्ट तो रह ही रहा है, उसके साथ साथ हम आपका एडमिट कार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्म फिल हो गया आपका, उसके साथ साथ आपको ग्रुप एक्सेस भी मिल गया। प्राइवेटली हर एक चीज़ आपको कोई भी अपडेट रहता है वो ग्रुप में मिल जाता है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं है, आप पर्सनली हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर पाते हो, आपको हमारे पास हमारा नंबर आप लोग के पास रहता ही है। उसके साथ साथ क्योंकि आप लोग अब हमारे साथ बैचेस में ज्वाइन कर जाते हो तो उसके साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो हम लोग कनेक्ट करते हैं 1-on-1, पूरे साल आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब एक बार आप एक पिज़्ज़ा के लिए जाओगे तो इतना कॉस्ट दे जाते हो, ये पूरे साल के लिए है और ये आपके कैरियर के बारे में है, ठीक है। तो यू शुड गो फॉर इट। आप लोग के कुछ और भी डाउट्स थे जैसे कि प्रैक्टिकल फ़ीस हमें क्यों देना पड़ रहा है, तो प्रैक्टिकल फ़ीस आप लोग का मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए होता है। एंड जो स्टूडेंट 2022 या उससे पहले के हैं आपका, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पिछली बार कराए थे स्टूडेंट्स का, तो आपका भी कराया जा सकता है, तो उस बेसिस पे आप पे कर रहे हो। इंग्लिश और मैथ्स में प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं लगता, बाकी में 150 आपका ऐड करके आता है, तो इसलिए 1950 रुपये समथिंग फ़ीस आपका आ रहा होगा अगर 500 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और PCM या फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट है। अब मेल या मैसेज आता है क्या कोई कन्फर्मेशंस के लिए, जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो कोई भी मेल और मैसेज नहीं आता। मेल और मैसेज जो है कम्युनिकेशंस के लिए रहता है, मतलब कि CBSE को अगर लगता है कि आपका एप्लीकेशन कुछ गलत है या उनको पर्सनली कुछ अपडेट करना होता है तो आपके पास मैसेज कर देते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या एडिट ऑप्शंस मिलेगा, अभी तक कभी एडिट ऑप्शंस नहीं आया था, तो इस बार के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं CBSE से कि एडिट ऑप्शंस आ जाए। जो सबसे बड़ी यहाँ पे डाउनफॉल रहता है ना वो ये रहता है कि आप प्रीव्यू भी नहीं कर पाते हो। आप JEE मेंस के लिए फॉर्म करो, JEE एडवांस के लिए फिल करो जो कि और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट उसमें क्या होता है प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है, तो आप बैक जाके एडिट कर पाते हो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। एक बार सबमिट तो सबमिट, काफ़ी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि भैया मेरे को ना साइबर कैफे वाले ने कंपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया लेकिन मुझे सारे सब्जेक्ट का देना था 75% क्राइटेरिया के लिए, अब हम क्या करें। तो वहाँ पे हम लोग उनसे कनेक्ट करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि कितने सब्जेक्ट्स का देना चाहिए कितने का नहीं, इंप्रूवमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए कई बार अप्लाई कर रहे हो जब वहाँ पे आपको 4-5 का नीड है और कहीं पे 5 का नीड आप लोग अप्लाई कर दे रहे हो, 75% आपका परसेंटेज है और वो नीड आपका जो है 1-2 का अप्लाई करने का ही था, तो इस तरीके से आप लोग गलतियाँ कर रहे हो। और अब बात करते हैं एडमिट कार्ड डेट कब रहेगा, तो एडमिट कार्ड का कोई डेट फिक्स नहीं है, एग्जाम से आपका 10-15 दिन पहले आता है, मतलब कि 1-2 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो भी ऑनलाइन आ जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हम आपको दे देते हैं, बाकी हम प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और बाकी के स्टेप्स के बारे में आप सोच रहे होगे कि हमारे फॉर्म में ऐसा कुछ क्यों लिख के आ रहा है, जैसे प्लीज़ नोट देता सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डजेंट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स, हिज़ एलिजिबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड एंड देयर वेरिफिकेशन एट द बोर्ड एंड, ठीक है। तो ये एक जनरल मैसेज है जो हर साल आता है, जैसे ये 2023 का था, 2024 वाला है तो इसमें भी है नोट में लिखा हुआ, देन ये 2023 वाला है इसमें भी है ना, आपको देख रहे हो यहाँ पे सेम बात लिखी है, उसके पहले वाला देखो तो आप 2022 वाले में इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये एक जनरल मैसेज है सबके लिए, तो ये अवेयर करने के लिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपीयर हो रहे एग्जाम्स में। आप अपीयर तब होते हो जब आपका सारा चीज़ सही से गया है बोर्ड के पास और बोर्ड उसे कंफर्म करता है कि हाँ यू आर द स्टूडेंट और आपका फोटो एंड सिग्नेचर्स वगैरह सब चीज़ें परफेक्टली है वहाँ पे, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच।